हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल टिक जुगाड़ में। तो आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हाँ, आज हम किस सवाल का जवाब देने वाले हैं। आज हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई सर्च कर रहा है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हम लोग सीखें जिससे हम इन फ्यूचर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज हम उन्हीं में से 5 स्किल्स की बात करने वाले हैं। अब स्किल्स तो मैं आपको बताऊंगी बताऊंगी, साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि ये स्किल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं और इन स्किल्स को सीखने के क्या-क्या बेनिफिट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 5 हाई इनकम स्किल्स के बारे में जानते हैं जो कि आपको लॉकडाउन में सीखनी चाहिए, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हाई इनकम अर्न करने का मौका मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्किल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब आप लोग कहेंगे इसमें क्या नया बता रही हूँ मैं, कौन सी मैंने स्किल नहीं बता दी आपको। बिल्कुल पुरानी स्किल है, काफी टाइम से ये स्किल ट्रेंड में है, बहुत से लोगों ने सीख भी ली होगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग उनके कैसे काम आ सकती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बेनिफिट से। तो सबसे पहला बेनिफिट, हाई पेइंग जॉब्स। अगर आप इस टाइम पे अपनी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, तो आगे चल के आपके रिज्यूम में जब लिखा होगा ना यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तो आपको सबसे पहले तो जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और उसके बाद जॉब भी हाई इनकम वाली मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पे एक रिसर्च के हिसाब से बताया जा रहा है कि 40 to 50% कंपनीज हायर कर रही है डिजिटल मार्केटर्स को। आपको भी पता है कि सारा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, हर एक चीज ऑनलाइन जा रही है, तो ऑनलाइन जा रही है तो उस चीज को हैंडल करने के लिए भी तो कोई चाहिए। छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑनलाइन जा रही है। अब उस ऑनलाइन बिजनेस को सिट करने के लिए, उस ऑनलाइन बिजनेस को हैंडल करने के लिए, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई चाहिए, तो डिजिटल मार्केटर का ये काम है। इसीलिए कंपनीज डिजिटल मार्केटर को हाई पेइंग जॉब्स ऑफर कर रही हैं इस टाइम पे। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास ये स्किल सीखने का। सेकंड बेनिफिट मैं आपको बताऊं, लेट सपोज आपका कोई बिजनेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप चला रहे हैं। अब उस बिजनेस में एक लिमिट तक एक ना सेचुरेशन आ जाएगी कि आपकी इतनी ही इनकम आ रही है पर मंथ। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास वो सारी स्किल्स हैं। तो इसके अलावा क्या होगा, आपको अगर बिजनेस को ग्रो करना है आप डिजिटल मार्केटर को हायर करेंगे। हायर किया, उसने आते ही पहले आपसे पैसे ले लिए। ग्रो होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, आपका बिजनेस कैसा जाएगा, कितनी सेल्स आपको मिलेगी, उसने तो पहले अपनी इनकम ले ली आपसे। लेकिन अगर आपको ये स्किल आती हो तो आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस के लिए जो आपको सूटेबल लगता है, देखिए वो बिजनेस वो नहीं चला रहा, बिजनेस आप चला रहे हैं, आपको पता है आपका बिजनेस कहाँ जाएगा कितना जाएगा। तो अगर वही स्किल्स आपको आती हो तो आप अपने बिजनेस को कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपनी इनकम को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटर को जो पैसे देने थे वो तो बच ही गए, तो कितनी अच्छी चीज है ये अगर आप खुद से ये सीख लें। ठीक है, तो ये दो मेन बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के। अब ये कहाँ पे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे बात करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चले कि लॉकडाउन में क्लासेस तो है नहीं, बाहर जाके आप फीस पे करने वाले हों। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फ्री में कहाँ सीखेंगे आप, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी हम बात करते हैं हमारी दूसरी स्किल के बारे में, ट्रेडिंग। कईयों के लिए ये वर्ड न्यू होगा, कईयों के लिए ये वर्ड पुराना होगा, लेकिन ये सुनिए ट्रेडिंग है क्या। अच्छा ट्रेडिंग नहीं तो स्टॉक मार्केट तो आई थिंक सबने सुना होगा, स्टॉक मार्केट। तो ये ट्रेडिंग वही है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, उसको करना सारी चीजें और वहां से अपनी अर्निंग करना। अब आप लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिस्क है, ये है। मैंने ये नहीं कहा आपको सर कि आप ने मैंने आपको ट्रेडिंग बताई, आप जाइए सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने पैसे लगा दीजिए। नहीं, मैं यहाँ आपको ट्रेडिंग सीखने के बारे में बोल रही हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग सीखिए, ठीक है। अब
आप कहेंगे क्या फायदा ट्रेडिंग सीख के, ये इन्वेस्टमेंट वाली चीजें सीख के, कितना रिस्क है इन सब चीजों में। तो फायदा सर ये है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग सीखने के बाद ना आप पूरे वर्ल्ड को ना एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, आपका जो माइंडसेट है वो खुलने लगता है। कि कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं आप स्टडी करते हैं सारी चीजें, आपका माइंडसेट खुलने लगता है, आप देखते हो कि यहाँ से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका माइंडसेट खुलने लगता है, और जब माइंडसेट खुलता है ना तो कोई रिस्क की चिंता नहीं रहती। आपको पता होता है कि हाँ मेरा माइंडसेट ये है, मुझे पता है कि यहाँ मुझे बेनिफिट होने वाला है, तो आप वो अपने हिसाब से करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि क्या रिस्क है या क्या नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग इसका बेनिफिट ये है ट्रेडिंग सीखने का, अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं और आगे चल के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब करनी है। एक तरीके से आपका पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम सारी चीजें हो सकता है। आप रात को 12 बजे भी कर सकते हो, रात को 2 बजे भी कर सकते हो, सुबह उठ के जैसे भी आपको सूटेबल रहे। आप अपने घर पे, आपने घर पे रह के कीजिए, आप कहीं बाहर गए हुए बाहर रह के कीजिए, एक फोन के अंदर या एक लैपटॉप के अंदर, एक सिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक में जाना है पैसे जमा कराने, इन्वेस्टमेंट करने, वहां से निकालने, हर चीज आजकल फोन में है। ये भी आपका पूरा फोन में रहेगा, तो इससे आपकी टाइम का कितनी ज्यादा बचत होगी। जो बचेगा आपके पास टाइम, उससे आप कुछ और कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड चीज, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये स्टार्ट करना। इस टाइम पे अगर आप ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिंग सीख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी आपको लॉन्ग टर्म में। आप मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आपको 10 साल बाद ये चीज कितना ज्यादा बेनिफिट दे देगी। ठीक है, तो ये बात थी हमारी ट्रेडिंग की। अब आगे चलते हैं हमारी तीसरी स्किल पे, जो कि है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इट्स नॉट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, इसको डिजिटल मार्केटिंग से कंफ्यूज मत करना। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे हर एक बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हर किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब मैनेज करना नहीं आता। हर किसी को नहीं आता, मैं ये नहीं कह रही किसी को नहीं आता, हर किसी को नहीं आता। तो यहाँ पे आप उस बिजनेस का एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। आप उस बिजनेस को अपना, अपनी सर्विसेज ऑफर करके कि मैं आपका सोशल मीडिया पूरे तरीके से मैनेज करूंगा और ग्रोथ लेके आऊंगा, आप उसका एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। और वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि इससे उनका टाइम बच रहा। ऑब्वियस सी बात है, उनका अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो उनके पास टाइम की कमी होगी, उनके पास टाइम नहीं है कि वो ये सब चीजें सीखें या ये सब चीजों में अपना मत्था कपाई करें। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा कि आप उनका सोशल मीडिया मैनेज करके अपनी जेब भर सकते हैं। उनका बिजनेस तो चल ही रहा है, आपका थोड़ा सा बीच में शेयर हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है ये। और सेकेंड थिंग वही चीज आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग हम सीख रहे थे अपने खुद के बिजनेस के लिए, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी तो अपने खुद के बिजनेस के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्दर जाके आपको अपना सोशल मीडिया मैनेज करना होगा। वहां पे आप किसी को हायर करेंगे, फिर वही पैसों की खपत। इससे बढ़िया आप अभी खुद सीख लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप इजीली अपना सोशल मीडिया मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये बात थी हमारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट, हम स्किल पे चलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग, सबसे पहली चीज बता दूं, ये जो लोग क्रिएटिव हैं ड्राइंग, आर्ट और इन सब में है, इनके लिए तो मतलब कहते हैं ना ये मस्ट कि आपको ये करना ही चाहिए। पहली चीज, आपको मजा आएगा क्योंकि ये आर्ट से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग, आपको आर्ट में इतने ऑप्शंस या आर्ट में इतना बिजनेस करियर नहीं मिलेगा जितना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में मिलेगा। तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो उसको करने के बेनिफिट्स, सबसे पहली वही चीज, हाई पेइंग जॉब्स। इस टाइम पे हर कोई अपना, वही चीज आ गई, यहाँ पे सारी चीजें, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, जिसके लिए हमें स्किल्स की जरूरत है। तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स की भी जरूरत है। किस लिए? क्योंकि
अब देखिए, बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, बैनर्स चाहिए, ऑनलाइन लोगोस चाहिए, एड्स चाहिए यूट्यूब के लिए, ये सारी चीजें चाहिए, यूट्यूब एडिट करना, हर चीज। तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स का बहुत मेन रोल हो जाता है। ग्राफिक डिजाइनर हायर करते हैं लोग कि हमारी ये ब्रांड है, हमारे लिए लोगो क्रिएट कीजिए, एड क्रिएट कीजिए, बैनर्स क्रिएट कीजिए, देन पेमेंट ले जाते हैं बस। सेकेंड थिंग, आप इससे फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब करनी है, आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलैंसिंग के लिए हमारी जो मेन वेबसाइट्स हैं, फ्रीलैंसर्स, फाइवर, पीपल पर आर, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसपे आप जाके अपना ग्राफिक डिजाइनर का फ्रीलैंसिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो फ्रीलैंसिंग से, ग्राफिक डिजाइनिंग से 1 लाख पर मंथ अर्न करते। बस वो करना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो उसके बाद थोड़ी सी स्किल्स और लगा के अपने लिए कस्टमर्स ढूंढना और उन कस्टमर्स के लिए काम करना, दैट्स इट। घर पे बैठे बैठे ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप फ्रीलैंसिंग से कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे सारी चीजें करते हैं अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग करने के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारी स्किल पे, जो कि है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग उनके लिए बेस्ट है जिनको लिखना पसंद है, जिनकी इंग्लिश, हिंदी या कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो परफेक्ट है, जिनमें वो लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इनके लिए तो है ही है, इनके लिए तो परफेक्ट स्किल है ये। लेकिन जो नहीं भी कर सकते वो भी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इस चैनल पे एक ब्लॉगिंग की पूरी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ब्लॉगिंग क्या, हम एक इन सारी स्किल्स की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, और इसके अलावा भी और भी स्किल्स की हम पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे। तो आपको वो सारी चीजें यहीं पे सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग हम स्टार्ट, आप कहीं भी, कहाँ जहीं जहां भी हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग करने के फायदे क्या है? ब्लॉगिंग करने का फायदा, सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम, कहीं जाना नहीं है। सेकंड, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लैपटॉप और फोन चाहिए, और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में, ठीक है। थर्ड बेनिफिट ये है कि फ्रीलैंसिंग, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने ब्लॉग्स किसी और से लिखवाते हैं, आर्टिकल्स लिखवाते हैं, मुझे इस पर्पस के लिए आर्टिकल चाहिए, वो आर्टिकल लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पांचों स्किल्स के बारे में। स्किल्स सीखने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं ये स्किल्स आप सीख कहाँ सकते हैं। उससे पहले एक जरूरी, या लगा लो एक बोनस टिप आपके लिए, कि आपको इस सब चीजों के अलावा एक चीज और जरूर सीखनी चाहिए। और इनमें से तो आप सिलेक्ट करेंगे ना कि आपको क्या सीखना है, लेकिन जो अब मैं बताने वाली हूँ वो तो हर एक व्यूअर के लिए मस्ट है, आप ये जरूर 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 सीखिए। तो वो बात मैं करने वाली हूँ। तो हमारे लिए यहाँ पर यूट्यूब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सारी स्किल्स सीखने का। यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो ये चीजें सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से सारी चीजें सीख सकते हैं। मोर ओवर हमारे चैनल पे भी इन सब स्किल्स की एक पूरी सीरीज लॉन्च होने वाली है जल्दी। सेकेंड थिंग, आप कहाँ से सीख सकते हैं? यूडेमी। यूडेमी एक ऐप और वेबसाइट है जो कि फ्री के कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है। अब बात यह है, यूडेमी पे जो कोर्सेज है वो आपको ज्यादातर हिंदी में नहीं मिलेंगे, वहां पे इंग्लिश में ही मिलेंगे कोर्सेज। जिनको हिंदी में सीखना है उनके लिए यूट्यूब है। थर्ड हमारी कोर्सेरा, ये भी यूडेमी की तरह एक एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती है, और आपको साथ के साथ सर्टिफिकेशन भी मिलता है इस चीज का, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से आप अपना ये सारी स्किल्स, या इसके अलावा और भी स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो सभी की सभी यहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और स्किल भी है जो कि आजकल हमें इस लॉकडाउन में सीखनी चाहिए, या कोई और वेबसाइट या कुछ भी ऐसी चीज है जहां से आपको लगता है कि हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं फ्री में, हिंदी में या इंग्लिश में, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी सीरीज है, जो भी वीडियोस हैं, वो आपको इंस्टेंट मिल जाए। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।